हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमर सागर ब्लॉग। बहुत दिनों बाद आज आया हूँ मैं वीडियो बनाने के लिए। तो वैसे मेरी तबीयत नहीं ठीक थी और आज मैं काम पे हूँ, तो देखते हैं क्या काम होता है। काफ़ी दिन हो गए मुझे पता है, तो देखते हैं काम क्या हो रहा है। बस सामान ले जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो इसको उतारना है। और क्रेन लगी हुई है यहाँ पर नीचे, दिखा देता हूँ आपको। यहाँ नीचे क्रेन लगी हुई है। गाइस ऐसे ऐसे करके सारे नीचे ले जाने हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेत उड़ रही है, धूल जिसे बोलते हैं। और ये पीछे देख सकते हैं मेरे तरबूज खरबूज खीरे और सारे लगे हुए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है, उधर से रास्ता है ना, तो इसलिए मैंने मुंह बांध लिया है। और बहुत ही ज़्यादा गर्म हीट से हवा चल रही है यहाँ पर, बस इसीलिए मैं यहाँ भूत जैसा बना हुआ हूँ। और हमारी क्रेन एक पैनल उतार के फिर से आ गई ऊपर। किधर है, दूसरा वाहन के उतारते हैं। और हवा बहुत ज़्यादा चल रही है यहाँ पे, देख सकते हैं कुछ नज़ारा ऐसा है आपको मैं दिखा। सारे के सारे वहाँ पे तरबूज के खेत हैं, वाटरमेलन देख सकते हैं आप। इस तरफ भी है, उठा लो उठा लो। मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिया है और एक उस साइड में सीधा उठाने के लिए दो तरफ दो लगाने पड़ते हैं। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है यहाँ पर, और एक इस तरफ लगा दिया है। इसमें मैंने डबल लगा दिया है, उनको लग रहा था ये खुल जाएगा बट खुलेगा नहीं, केबल से बांध के उठाऊँ। बट मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, धूल उड़ रही है बहुत ज़्यादा। मैं तो सर में दर्द होने लगा धूप की वजह से। इसका बूम छोटा है इसीलिए ऐसे बांधना पड़ता है। गिरेगा तो टूट जाएगा। खैर क्या भाई, जा नीचे चला जा आराम से, इसको लेके उस पार जाना पड़ेगा अभी उधर से, उस पाइलिंग ब्रिज से। पहले मैंने तो उतार दिया है, चलो चला जाएगा। इतनी जोर से चल रही है, मेरा फोन भी नहीं रुक रहा है। ऐसे कर कर गाइस हो गया लंच, गाड़ी हो गई है बंद, भाग चलते हैं रूम पे। तो नहाएंगे आराम से, जाएंगे मार्केट। गाड़ी शायद खराब हो गई, बंद हो गई। यहाँ पे काम करना पड़ेगा यार, इसको पूरा भरना है, काफ़ी लंबा है, इसमें बहुत ज़्यादा देर लगेगी। आज का तो संडे गया। वहाँ नीचे मशीन खड़ी हुई है, वहाँ से कंक्रीट आएगी पाइप से यहाँ। कम से कम 3 घंटा तो लगेगा इसको डालने में। ये सारे गटर यहाँ पे बने थे जो यार अभी ढलाई हो रहा है, इनको उठा के इधर से इधर रखा गया है, मतलब शिफ्टिंग किया गया है एक जगह से दूसरी जगह। क्या बात है, इतने भारी भरकम गटर उठा के इधर से इधर कर दिए। जब ये फाइनल हो
होगा, कब ये भरेगा, कब मैं जाऊंगा रूम पे। संडे के तो डंडे लगते हैं। और इस ब्रिज की बहुत ही अमेजिंग चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा। तो गाइस देखिए, आप सबको पता होगा ब्रिज हमेशा सरिये पे टिका होता है, जैसे कि ये सरिया है ऊपर देख सकते हैं, लेकिन ये गलत है। सरिया तो होता ही है, लेकिन मेन काम इसका होता है, ये जो केबल पड़े हुए हैं इसके अंदर, इसको टाइट कर सकते हैं, ऐसे लॉक कर देते हैं टाइट करके, जैसा कि देख सकते हैं आप। और इसी की वजह से जब इस पे से गाड़ी जाती है तो ये ब्रिज हिलता है। और सभी ब्रिज की एक खासियत होती है कि उसकी एक एक पैनल, एक एक जैसे कि डेग होती है, एक एक छत, वो अलग होती है, ताकि जब कभी भी भूकंप आए तो वो एक साथ ना गिरे पूरा, एक एक पैनल गिरे, जिससे कि ज़्यादा नुकसान ना हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से कनेक्ट कर देंगे कुछ इस तरह, ये वाला तो हो चुका है। इस पे से जब गाड़ी जाती है तो ये हिलता है, यहाँ भी जॉइंट रहेगा बीच में स्पेस जो है, ताकि एक एक अलग अलग रहे। बनने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा ये, जैसा इस तरफ देख सकते हैं बना हुआ है। अभी आपको दिखाऊंगा मैं आगे जाके शिफ्ट कैसे किया हुआ था, इसको भी इधर ही बना के इधर से उठा के इधर शिफ्ट किया हुआ है, तो आगे जाके देखेंगे कैसे शिफ्ट करते हैं। वैसे हम लोग करते थे ये जो बनाते थे बीम, आपको दिखाऊंगा मैं कॉलम खड़े करते हैं हम लोग, लेकिन इस पर ये ट्रस लगा हुआ है। और ये ट्रस किस तरह लगा हुआ है आप देख सकते हैं, जैसे पहले रेलवे का ट्रैक बनता था उस तरीके का बना हुआ है ये। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये जो बाहर निकला हुआ थोड़ा सा दिख रहा है आपको एल शेप में, इसके ऊपर लगाते हैं हैंगर टाइप का, उधर लगा हुआ है देख सकते हैं आप, उस पे रख के इसको बनाया जाता है। नीचे से कोई सपोर्ट नहीं होती, बस उस पाइसे और इस पाइसे सपोर्ट होती है इसकी, बीच में पूरा फ्री होता है। काफ़ी सारे तरीके होते हैं वैसे इसको बनाने के, नीचे भी बना के आप ऊपर उठाते हैं, अपने अपने जैसे जैसे सुविधा होती है जिस कंपनी की, वैसे वैसे लोग बनाते हैं। फ़िलहाल तो ये सरकारी कंपनी है, तो यहाँ पे ज़्यादातर ऊपर ही बनाते हैं, नीचे बहुत ही कम बनाते हैं। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है, अर्जेंट होता है तो ऊपर बनाते हैं लोग, मतलब नीचे बनाते हैं फिर ऊपर उठा देते हैं, वो ज़्यादातर मेन सिटी में होता है, लेकिन नदी के कामों में ज़्यादातर यही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि नीचे भी देख सकते हैं आप, जहाँ पे वो क्रेन खड़ी हुई दिख रही होगी आपको, वो पूरा ही गाटर से बनाया हुआ है, वो पानी आने से पहले सारा निकाल लेते हैं, वो मशीन से लगाते हैं, उसको लगाने का मशीन भी यहाँ पे है, आपको दिखाऊंगा मैं। ये है भीम हटाने के लिए मशीन, भीम मतलब एक गाटर, इसको यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट किया जाएगा तीसरे नंबर पर, लास्ट वाले पे। इसको यहाँ से जैक से उठाएंगे, हाँ जैक लगाया हुआ है, इसको कनेक्ट करेंगे प्रेशर मशीन से, और यहाँ से उठा के उस चैनल के ऊपर रख के जो लंबा वाला है, और इसको यहाँ से खींच के उस साइड ले जाएंगे इस बड़े जैक से। और इधर भी ट्रस लगा हुआ है, ये बीम तो ट्रस के ऊपर है, इधर भी ट्रस लगा हुआ है, लेकिन इस साइड में ट्रस नहीं है, यहाँ पे पाए खड़े किए हुए हैं, यहाँ पे कुछ ऐसा है, इसमें जैक का कोई सिस्टम नहीं है ना ही ट्रस का, इस पे बस डायरेक्ट स्टेशन खड़ी करो और बीम बना दो। अगर आपको दिखाऊं तो पानी के अंदर बल्ली लगा के, लकड़ी की बल्ली खड़ी करके उसके ऊपर कंक्रीट किया हुआ है, और उसी के ऊपर पाए खड़े किए हुए हैं। अपना अपना दिमाग है भाई सबके पास, कोई कैसे काम करता है, कोई कैसे।
वैसे ये देसी जुगाड़ है लेकिन अच्छा टिकाऊ मजबूत है, इसमें थोड़ा खर्चा कम आएगा, टाइम भी बचेगा। इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, इसको पहले कंक्रीट करो फिर इसकी केबल खींचो, ये जो लगी हुई है ये अभी दो केबल नहीं खींची हुई है, बाकी तीन खींच दिए हैं। केबल खींचो फिर इसको पूरा कंप्लीट करके तब हटाओगे। और इस वाले में ऐसा कोई सिस्टम नहीं, इसमें बस बना के खड़ा कर दो, केबल खींचो चाहे मत खींचो, बाद में भी खींच सकते हो। और एक लास्ट पियर रह गया था पाया, जिसकी सेटरिंग अभी लगी हुई है, वो आप आगे आप देख सकते हैं। इसके बाद ये ब्रिज के सारे पाए फाइनल हो जाएंगे, फिर बस ऊपर का काम रह जाएगा। इस बार तो होगा नहीं, अगली साल ही होगा अभी फाइनल। और हवा इतनी ज़ोर से चल रही है कि मेरे बाल भी सारे ख़राब हो जा रहे हैं उड़ के। और आते टाइम मैं शर्ट नहीं, ये वाली शर्ट धो के पहन के आया था और पूरी की पूरी सूख गई सिर्फ 5 मिनट में, इतनी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हो रही है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। करना तो पड़ेगा, और कुछ कर भी नहीं सकते हम। आज संडे था हमारा, संडे की वाट लग गई, काम करना पड़ रहा है। खैर छोड़ो, देखते हैं क्या होता है, बस वही रूटीन रोज का। शाम को जाओ नहाओ खाना खाओ और सो जाओ, फिर सुबह उठो फिर काम पे चले आओ, यही चल रहा है बस कुछ दिनों से। कितने दिन हो गए, करीब करीब 1.5 महीना हो गया, यही चल रहा है बस। वैसे मुझे जल्दी यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी, शायद और 1 महीना उसके बाद यहाँ से छुट्टी मिल जाएगी। हवा बहुत तेज़ चल रही है, उसकी वजह से आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इसमें विंड वॉइस बहुत आती है। पहले ये वाला ब्रिज चला करता था, इसको बनने के बाद ये वाले का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। इसको हर साल बनाते हैं, हर साल को यार एक मसला हो गया है, पाइप चोक जो भैया ठोक रहा है, पूरा पाइप लाइन यार था, बड़ा गंदा सीन हो गया यार। इतना होने वाला था, इतना पाइप लगा दिया था कि पाइप ही चोक हो गया, जाम हो गया, जिससे कंक्रीट भर गया इसमें। क्या हो रहा है, शाम का मौसम, सूरज डूब रहा है, डूब गया है, डूब नहीं रहा, काफ़ी टाइम हो गया। पाइप की कंडीशन बहुत ख़राब है, अब तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें और पूरा पाइप जाम हो गया है। देखते हैं कितने बजे तक खुलता है, कब तक होता है। हो गया काम ख़त्म और रात के बज गए हैं अराउंड 11 बजने वाले हैं, 15 मिनट काम है, बहुत ज़्यादा रात हो गई यार काम करते करते। हर रात ऐसी जाती है, 10 बजे 11 बजे 12 बजे। मेरे मुंह पे भी कुछ लग गया है, कंक्रीट लग गई है। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।